please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के शाहदरा में एक जर्जर मकान देखते ही देखते ढहने लगा और ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें तंग गली में खड़े मकान का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा के गिर गया। मकान के ढहते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। दो मंजिल तीन मंजिल हो छजिए पर घिस रखा था मकान, उस पर बना रखा था, अब बस गिरा है। कुछ ही देर में मौके पर मलबे का ढेर हो गया और सड़क पर मिट्टी और लकड़ियां बिखर गयी। इस हादसे में अगल बगल के घरों को भी मामूली नुकसान हुआ, हालांकि पुलिस की सूझबूझ से पड़ोस के मकानों को पहले ही खाली करवा दिया गया था, क्योंकि दरार की खबर मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों को इस काम में लगा दिया था। अगर पुलिस का सहयोग नहीं होता तो यहाँ जानी नुकसान होता था। लेकिन लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने दरार की जानकारी के बावजूद इस मामले में अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। एमसीडी के अधिकारियों का जो रवैया था वो वास्तव में दयनीय था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे थे। एमसीडी के ढीले रवैये से लोगों में काफी गुस्सा है और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के यूटा में रेगिस्तानी पठार की चोटियों पर बाइक दौड़ा रहा एक बाइक सवार अचानक गिर पड़ा। इस बाइक सवार के पीछे उसका साथी भी चल रहा था, जिसके हेलमेट में एक कैमरा लगा था और उस कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो में दिखा कि दोनों बाइक सवार मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह पठार की चोटियों पर बाइक दौड़ाने लगे। यहाँ तक कि मोड़ों पर भी उन्होंने स्पीड कम नहीं की, लेकिन तभी पठार की संकरी चोटी पर आगे चल रहा बाइक सवार फिसल गया। पर गनीमत ये रही कि बाइक सवार नीचे गिरने के बजाय पठार की ढलान पर ही रुक गया। ये देख उसका साथी उसके पास गया और उसे खड़ा किया। थोड़ी देर में दोनों फिर से रेस के लिए तैयार हुए और पठार के ढलान पर बाइक दौड़ा दी।